हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने पुनः जो है उपस्थित हुए हैं एक अगला वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है यह है यूरोप महाद्वीप से संबंधित। आज का जो वीडियो है यह है यूरोप महाद्वीप के प्रमुख सागर। वीडियो बेशक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मित्रों, बिना समय गवाए हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और देखते हैं यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से महत्वपूर्ण सागर हैं और उनकी अवस्थिति क्या है, उनकी अवस्थिति क्या है, उनका लोकेशन क्या है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सागर हैं यूरोप महाद्वीप के। भूमध्य सागर है, श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, आयरिश सागर, एड्रियाटिक सागर है, आयोनियन सागर है, काला सागर, अजोव सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर। ये कुछ यूरोप महाद्वीप के प्रमुख महत्वपूर्ण सागर हैं, जहाँ से जो है एग्जाम में व्यू की दृष्टि जो है यहाँ के क्वेश्चन अक्सर जो है यहाँ से पूछा जाता है सागर से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं भूमध्य सागर, इसकी अवस्थिति क्या है। यदि हम भूमध्य सागर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आखिर सागर किसे हम कहेंगे, सागर सागर क्या है। सागर यानी कि ऐसी जलराशि जो महासागरों से छोटी हो, ऐसी जलराशि जो महासागरों से छोटी हो तथा जो तीन तरफ जो है स्थल से घिरा होता है। सागर जो होता है वो तीन तरफ स्थलों से घिरा होता है, एक तरफ जो है वो महासागरों से मिला होता है तथा नदियों द्वारा जो लाया गया अपना जल जो होता है वो इसमें निक्षेपित किया जाता है। महासागरों में नदियों द्वारा लाया गया जल जो होता है वो निक्षेपित किया जाता है तथा ये महासागर जो होते हैं तीन तरफ स्थलों से घिरे होते हैं, तीन तरफ स्थलों से घिरे होते हैं और एक तरफ जो है वो महासागरों से मिले होते हैं। तो आइए देख लेते हैं भूमध्य सागर। यदि भूमध्य सागर की बात करें हम, भूमध्य सागर की बात करें हम तो यूरोप के दक्षिण में, भूमध्य सागर यूरोप के एकदम दक्षिण में। मैप बना है, मैप के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि हम बात करें भूमध्य सागर की तो ये यूरोप महाद्वीप का स्ट्रक्चर आपके सामने बना है और यहाँ जो है यूरोप के दक्षिण में, एकदम यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। और भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है, यानी यूरोप और अफ्रीका के मध्य में कौन सा सागर स्थित है तो वह है भूमध्य सागर। यूरोप तथा अफ्रीका को भूमध्य सागर क्या करता है, यह पृथक करने का कार्य करता है। यूरोप और अफ्रीका को पृथक करने का कार्य कौन सा महासागर करता है तो भूमध्य सागर है। कौन सा जो है सागर पृथक करने का कार्य करता है तो वह है भूमध्य सागर। इसके बाद है अगला श्वेत सागर। अगला कौन सा सागर है, श्वेत सागर है। श्वेत सागर की यदि मैं बात करूं तो यह उत्तरी रूस, श्वेत सागर जो है यह उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर अगर विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर एकदम ऊपर, विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर एकदम ऊपर है और एकदम ऊपर रूस के उत्तरी वाले क्षेत्र में यहाँ है श्वेत सागर। श्वेत सागर यानी हम अगर बात करें तो यहीं पे स्थित है सखालिन द्वीप है, उसी के मध्य आसपास जो है यह कौन सा सागर स्थित है तो यह है श्वेत सागर। श्वेत सागर यह उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। इसकी अवस्थिति क्या है, यह रूस और उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर में यह अवस्थित है श्वेत सागर। इसके बाद है अगला बाल्टिक सागर। यदि हम बाल्टिक सागर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाल्टिक सागर कहाँ स्थित है तो बाल्टिक सागर है अटलांटिक महासागर में स्थित। इधर देखेंगे तो आप ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसी के मध्य ये है बाल्टिक सागर। आप मैप में देख सकते हैं आसानी से बाल्टिक सागर जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद अगला है उत्तरी सागर। अगला कौन सा सागर है, उत्तरी सागर। यदि हम उत्तरी सागर के अवस्थिति की बात करें, यदि उत्तरी सागर के लोकेशन की बात करूं तो यह अटलांटिक महासागर का भाग है। किसमें स्थित है उत्तरी सागर, तो उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह ब्रिटेन के पूर्व में है। यह ब्रिटेन के पूर्व में, यदि हम मैप में देखें तो मैप में देखेंगे तो ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के पूर्व में अगर यहाँ देखेंगे आप तो नॉर्वे और ब्रिटेन, इसी के मध्य में जो है उत्तरी सागर स्थित है। उत्तरी सागर जो है यह ब्रिटेन के पूर्व में और नॉर्वे के पश्चिम साइडों में यहीं पे स्थित है। कौन सा सागर है तो यह है उत्तरी सागर, यह है सॉरी
यह जो है उत्तरी सागर। हाँ उत्तरी सागर जो है ये ब्रिटेन के पूर्व में, तो यह इसकी जो है स्थिति है उत्तरी सागर की। इसके बाद है अगला है आयरिश सागर। अगला कौन सा सागर है? तो अगला है आयरिश सागर। और आयरिश सागर अटलांटिक महासागर में, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? यह भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित है आयरिश सागर। और यह ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड के बीच स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। यदि हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यही ग्रेट ब्रिटेन है और आयरलैंड यहीं से लगा हुआ है, यही जो है आयरलैंड स्थित है। और आयरलैंड और ब्रिटेन के मध्य ही स्थित है आयरिश सागर। आयरिश सागर जो है यह आयरलैंड और ब्रिटेन के मध्य स्थित है। आयरलैंड और ब्रिटेन के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो आयरिश सागर। अगला है एंड्रियाटिक सागर। अगला कौन सा सागर है? एंड्रियाटिक सागर। और यह जो है भूमध्य सागर में स्थित है। एंड्रियाटिक सागर किस सागर में स्थित है? तो एंड्रियाटिक सागर जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। और यह इटली के ऊपर पूर्व में स्थित है, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम मैप मैप में देखें बात करें तो ये इटली है, इटली। और यहीं इटली के जस्ट पूर्व में अगर देखेंगे तो ये जो है ये एंटियाटिक सागर है। एंटियाटिक सागर जो है यह एकदम इटली के पूर्व में, और यह भूमध्य सागर का भाग है। भूमध्य सागर में ही स्थित यह सागर है एंटियाटिक सागर, भूमध्य सागर में ही स्थित एंटियाटिक सागर, और इटली के जो है यह पूर्व में स्थित है। अगला है आयोनियन सागर। अगला कौन सा सागर है? तो अगला है आयोनियन सागर। और यह भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच स्थित है। भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के मध्य स्थित कौन सा सागर है? आयोनियन सागर। आयोनियन सागर ये इटली है, और यहीं इसके बगल में ग्रीस ग्रीस है, इसी के बगल में ग्रीस है, और ये है आयोनियन सागर। इटली और ग्रीस के मध्य में स्थित कौन सा सागर है? तो इटली और ग्रीस के मध्य में आयोनियन सागर स्थित है। ग्रीस यानी यूनान, जिसका प्राचीन नाम यूनान था। तो ग्रीस और यूनान के मध्य ग्रीस और सॉरी ग्रीस और इटली के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो ग्रीस और इटली के मध्य यह जो है ग्रीस और इटली के मध्य भूमध्य सागर में आयोनियन सागर स्थित है, आयोनियन सागर स्थित है। इसके बाद है आपका काला सागर। अगला कौन सा सागर है? तो अगला है काला सागर। काला सागर यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। काला सागर यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है, यहीं पे स्थित है आपका काला सागर। काला सागर यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। इसके बाद है अजोब सागर। अगला कौन सा सागर है? अगला है अजोब सागर। और यह यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और काला सागर के उत्तर पूर्व में स्थित है। अजोब सागर की बात करेंगे तो ये इधर ये है आपका यूक्रेन, यूक्रेन यहीं स्थित है, यूक्रेन यूक्रेन है। और यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अगर बात करेंगे तो यहाँ दक्षिण पूर्व में यूक्रेन हो गया, और दक्षिण पूर्व में ये हो गया यूक्रेन और दक्षिण पूर्व में। इसके बाद दक्षिण पूर्व में और काला सागर के उत्तर पूर्व में, काला सागर की हम लोग चर्चा किए, काला सागर के उत्तर पूर्व में जो अवस्थित है वह है अजोब सागर, अजोब सागर। इसके बाद है मरमरा सागर। अगला कौन सागर है? अगला है मरमरा सागर। और यह काला सागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। मरमरा सागर काला सागर के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में यह है काला सागर, काला सागर। और काला सागर के दक्षिण पश्चिम में है यही मरमरा सागर। काला सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सागर है? तो यह है मरमरा सागर, काला सागर के दक्षिण पश्चिम में। अब अगला है एजियन सागर। अगला कौन सागर है? अगला है एजियन सागर। एजियन सागर यह यूनान व अनातोलिया पठार, यूनान व अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया प्रायद्वीप जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह है तुर्की, अनातोलिया प्रायद्वीप किसके अंतर्गत आता है आधिकारिक रूप से? तो यह है तुर्की के अंतर्गत आता है अनातोलिया प्रायद्वीप। तो अनातोलिया प्रायद्वीप और तुर्की के मध्य, अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की और यूनान के मध्य जो होता है वो कौन सा सागर स्थित है? तो वह है एजियन सागर, एजियन सागर। एजियन सागर किसके किसके मध्य स्थित है? तो तुर्की तुर्की और तुर्की और यूनान, तुर्की और यूनान के मध्य स्थित है कौन सा सागर है? एजियन सागर, एजियन सागर।
एजियन सागर जो है ये तुर्की और यूनान के मध्य स्थित है यह सागर। तो इस तरह से आज सागर से संबंधित आज का वीडियो जो है ये समाप्त हुआ। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।